हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहुबली यानी कि प्रभास अपनी 25th सिल्वर जुबली फिल्म का काम बहुत ही जल्द करने वाले हैं शुरू। जी हाँ, प्रभास अपनी 25वीं फिल्म का काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। फिल्म का नाम है सीप्रेट और ये जो फिल्म है इसको डायरेक्ट करने वाले हैं कबीर सिंह जैसी फिल्मों के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। फिल्म का काम अगले साल शुरू होगा और ये फिल्म भी टी सीरीज के बैनर के नीचे बनाई जा रही है, यानी कि टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि टी सीरीज के साथ ऑलरेडी प्रभास ने एक फिल्म कर ली है और 3 फिल्में टी सीरीज के साथ अपकमिंग है प्रभास की, जिसमें से साहो आपने देखी होगी, 2019 में आई थी, वो काफ़ी कमाल मूवी थी। टी सीरीज ने ही उसको प्रोड्यूस किया था, प्रभास ही उसमें श्रद्धा कपूर के साथ लीड रोल में नजर आए थे। लेकिन उसके बाद यानी कि साहो के बाद टी सी ने 3 फिल्में और साइन करवाई प्रभास से, जिसमें से एक फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जिसमें कृति सैनन उनके साथ नज़र आएंगी, और राधे श्याम जिसमें पूजा हेगड़े उनके साथ नज़र आएंगी। और अब अपनी 25th यानी कि 25वीं जो फिल्म है यानी कि सिल्वर जुगली फिल्म जो है प्रभास की, जिसका काम शुरू होने वाले हैं अगले साल, जिसको कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को भी टी सीरीज ही बना रहे हैं, यानी कि प्रभास के साथ टी सीरीज लगातार 4थी फिल्म का काम शुरू करने वाली है। और इसमें प्रभास की हीरोइन कौन होगी ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म का काम अगले साल शुरू हो जाएगा। और संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों टी सीरीज की ही फिल्म एनिमल का काम कर रहे हैं, जिसमें रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा देखने को मिलेंगे। जैसे ही एनिमल का काम कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही संदीप रेड्डी वांगा टी सीरीज की एक और फिल्म जिसमें प्रभास नज़र आएंगे सीप्रेट का काम शुरू कर देंगे। अगले साल ये काम शुरू हो जाएगा। फिल्म 2023 में रिलीज होगी और प्रभास की ये 25th यानी कि 25वीं फिल्म होगी अपने पूरे करियर की। प्रभास ने 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। ईश्वर के बाद उन्होंने बैक टू बैक फिल्में दी इन कई सालों के अंदर अंदर तेलुगु तमिल लैंग्वेज में। 2015 में प्रभास बॉलीवुड में भी एक बड़ा नाम बन गए जब फिल्म बाहुबली आई। उसके बाद 2017 में बाहुबली 2 आई तो प्रभास का जो फैन फॉलोइंग था वो बॉलीवुड में और भी ज़्यादा बढ़ गया, और इसके बाद तो प्रभास ने बॉलीवुड में भी अपना कदम जमा लिया है और एक के बाद एक कई बड़े बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के साथ प्रभास फिल्म कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मतलब अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।